क्वेश्चन क्या है भाई, पुलिस के जनक कौन है? तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कार्नवालिस। देखिए आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपने कितनी तैयारी की है। तो पुलिस के जनक कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय, लास्ट टाइम यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम राइफल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, असम राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस का रंग क्या है? भाई पुलिस का कोई रंग थोड़ी है, पुलिस का रंग क्या है मतलब है पुलिस का जो लोगो होता है ना उसमें कौन सा रंग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लाल और नीला। आप देखते हो जो पुलिस में होते हैं उनकी गाड़ी पे आप देखा होगा नंबर प्लेट में वो अपना कलर लगवा लेते हैं ना, लाल और नीला, तो वही प्रतीक होता है पुलिस का। रंग क्या हो गया? लाल और नीला। अब यहाँ पर देखो, लाल जो होता है वो खतरे का सिंबल होता है ना, और नीला जो होता है वो पुलिस की उपस्थिति दर्शाता है। देखो लाल क्या होता है? आपातकाल। जहां पर भी आपातकाल होगा वहां पर पुलिस आपको नजर आएगी, वहां पर पुलिस आपको मिलेगी। तो लाल और नीले का मतलब ही यही होता है कि आपातकाल के दौरान पुलिस वहां पर आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो पुलिस का रंग क्या हो गया? लाल और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाई पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? चिन्ह तो आप देखते हो पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाई मछली है, मछली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, पुलिस जिले? तो अब ये बताओ उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, तो यही पुलिस जिले हो गए भाई, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? पुलिस जिले हैं, 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? कौन सा भाई पद सबसे ऊंचा होता है? तो सबसे ऊंचा कौन है? आईजी का होता है, डीआईजी का होता है, डीजीपी होता है, एसपी होता है, कौन होता है? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डीजीपी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी सबसे ऊंचा पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी? भाई सबसे बड़ी पोस्ट मैंने बता दी, अब क्वेश्चन है सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? कांस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं? तो भाई कांस्टेबल की वर्दी में आप क्या कोई स्टार देखते हो क्या, एक या दो या तीन या जीरो? बता दूं कि कांस्टेबल की वर्दी में कोई भी स्टार नहीं लगता है, जीरो होता है, कोई स्टार नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस का नारा क्या है? तो भाई देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर कमेंट जोर कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? तो पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? तो भाई आपको बता दूं पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा भाई ऑप्शन नंबर बी का राइट है, पुलिस विभाग में टोटल 16 पद होते हैं, ठीक है, कांस्टेबल से लेकर आगे बढ़ते जाते हैं और 16 पद टोटल होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने थाने हैं? तो भाई भारत में कुल कितने थाने, भारत में बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, पहले भारत की बात कर लें, तो भारत में कुल कितने थाने हैं भाई? तो देखिए जरा ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है 16,671, टोटल कितने थाने हैं भारत में? 16,671। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है?
तो आपको बता दूं सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, मतलब पुलिस थाने कितने उत्तर प्रदेश में। अभी आपने क्या तैयार किया था, कुल भारत में कितने थाने थे, और अब क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने थाने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1526 थाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना। तो देखिए जरा, जो नारकी थाना है ना, ये फिरोजाबाद में है, ठीक है, ये आगरा जोन में लगता है। तो नारकी थाना जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, जरूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को उत्तर प्रदेश में थाना दिवस मनाया जाता है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जरा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, भोपाल में ये स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है, भाई पुलिस विभाग में प्रमोशन कितने साल में होता है। ऑप्शन नंबर ए 11 से 12, बी में 12 से 15, ऑप्शन नंबर सी 18 से 19, या फिर डी 13 से 14 साल। तो आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 11 से 12 साल में इसमें प्रमोशन होता है। तो भाई अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर